और अभी सीपीयू वगैरह में रिवॉल्व करके लगाने में कोई डर है क्या आपको अभी? तो पहले जब आए थे और अब में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया? सर मैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं अभी जो तो मैं दो स्टूडियो घूम के आने के बाद भी जो मुझे सक्सेस नहीं मिला, अब यहाँ पे आने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं अब सक्सेसफुली हो रहा हूँ, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, साथ में तीनों सरों का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे इस लेवल पर पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आईएसओ 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक टैब है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये, इसका मॉडल मैं पीछे बताना चाहूँगा आपको, A1475। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं इसका मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स, इसमें 4013 अभी एरर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम इसका नैंड ओपन करने वाले हैं, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसे पूरा देखिए कैसा इसको सॉल्व करना है। और ये मार्केट में काफ़ी जगह घूम के आया है तो ये रिपेयर नहीं हो पा रहा था, तो हमारे पास आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए अच्छे से समझने के लिए। तो आईफोन में जो होता है फ्रेंड्स, नैंड और सीपीयू के पास ब्लैक पेस्टेड इस तरह से ग्लू होता है। तो सबसे पहले नैंड को उठाने से पहले आपको साइट का ये ग्लू क्लीन कर लेना है और ये सारा प्रोसेस आपको क्लास में सिखाया जाएगा। अगर चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। और सबसे पहले यहाँ पर ग्लू को क्लीन करेंगे और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हाथ को जो है बहुत ही आहिस्ता से चलाना है, पीसीबी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है आपको, सिर्फ ग्लू को यहाँ से हमको निकालना है क्योंकि पास में जो कंपोनेंट होते हैं वो इस ग्लू के साथ चिपके हुए रहते हैं। जब आप आईसी को उठाते हैं तो वो कंपोनेंट भी निकल कर आ जाते हैं बाहर, तो इसलिए हम पहले सबसे पहले यहाँ का ग्लू कट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो SMD हम यूज़ कर रहे हैं 857DW+, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी के जो आसपास में जो ग्लू होता है सबसे पहले उसे कट करना होता है, क्योंकि अगर हम वो कट नहीं करके इसी तरह से आईसी उठाएंगे तो आसपास के जो कंपोनेंट लगे हैं सारे के सारे आईसी के साथ ऊपर उठ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, आसपास का ग्लू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसके नैंड को उठाएंगे, क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और उसके साथ ही साथ पीसीबी को भी क्लीन करेंगे। उसके बाद नैंड को प्रोग्राम करेंगे जेसी प्रो के साथ और उसके बाद इसे रिस्टोर करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें। फ़ोन फिक्स हैदराबाद के जो वीडियोस हैं उसको आप शेयर करिए ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाई तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आईफोन का जो बैच है नेक्स्ट 15 सितंबर से है, जिसमें लिमिटेड सीट्स है, ओनली 10 सीट्स होती हैं, काफ़ी सारी बुक हो चुकी हैं। अगर आप आना चाहें तो उसमें आ सकते हैं और उसमें आपको A to Z आपको सिखाया जाएगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। CPU मास्टर ब्लास्टर कोर्स होता है जिसमें जितने CPU आईफोन में लगते हैं सारे के सारे आपसे हम डन करवाएंगे और आपका हैंड स्किल ऐसा हो जाएगा बहुत ही इजी वे में आप CPU लगा सकते हैं। ये सब नैन प्रोग्रामिंग जैसी प्रो IP बॉक्स वगैरह से जो प्रोग्रामिंग करते हैं आईफोन की, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा हम आपको Touch ID बनाना बताएंगे, फिंगरप्रिंट आपको किस तरह से जंपरिंग वगैरह करना है वो बताएँगे, Face ID किस तरह से रिपेयर किया जाता है वो आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आईफोन के अंदर, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया में सबसे कम फीस में ये कोर्स रखा गया है फ्रेंड्स, फोन फिक्स हैदराबाद तेलंगाना में आपको हमारा इंस्टीट्यूट मिलेगा, जहाँ पे आपको A to Z लेवल पे आपको सिखाया जाएगा। अगर अपने हाथ से काम करना है, सब कुछ सीखना है अच्छे से, तो ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद की टीम को। 15 सितंबर से आईफोन का बैच है और अगर एंड्रॉयड अगर आप सीखना चाहते हैं तो 27 अक्टूबर से है, अगर आप चाहें तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, सारी डिटेल ले लीजिए क्या क्या आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। काफ़ी सारा सिलेबस है जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पूरा एंड तक देखिए और इन्जॉय करिए।
पे आप देख सकते हैं हम ये रीस्टोर पे लगा दिए हैं आईट्यून में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल का लोगो आ चुका है और यहाँ पे ये इसका जो iOS है ये रीस्टोर हो रहा है। चलिए देखते हैं वीडियो के एंड में कि हमारा ये टैब पूरी तरह से प्रॉपर ऑन होता है या नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा है टैब जो है रिस्टोर हो चुका है। ये देखिए प्रॉपर ये ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं वन टाइम में सक्सेसफुली हमारा जॉब डन हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम था 40-13 एरर हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इसकी नैंड को निकाल के रीप्रोग्राम हमने किया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अपने हाथ से सारा का सारा काम सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, फ़ोन उठाइए और फ़ोन फिक्स हैदराबाद की टीम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये हैंडसेट ऑन होते हुए, और यहाँ पे अभी इसमें सीपीयू निकाल के लगाए हैं 4G हैंडसेट। जहांगीर थोड़ा सा बताइए, अभी सीपीयू निकाल के लगाया आप इसका, वन टाइम में सक्सेस हो गया? आप ही निकाले, रिवॉल्व भी करें आप? ये तो विदाउट पेस्टेड है, साथ में पेस्टेड वाले भी कर रहे हैं ना आप? तो पेस्टेड का भी निकाल रहे, क्लीनिंग कर रहे, सब कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कैसा है क्या है? ठीक है, अभी पहले जब आए थे आप, अभी आज 10 दिन हो गए हमारे, ऑलरेडी पहले दिन ही हम पावर लगा दिए, MMC लगाए जियो वगैरह के सेट में, उसके बाद पेस्ट विदाउट पेस्टेड। और अभी CP वगैरह में रिवॉल्व करके लगाने में कोई डर है क्या आपको अभी? तो पहले जब आए थे और अब में कुछ डिफरेंस आया कि नहीं आया? इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, साथ में तीनों सरों का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे इस लेवल तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे इस स्टूड में IC के अलावा स्मेटिक डायग्राम में वोल्टेज कितना, कौन से सेक्शन में वोल्टेज कितना चाहिए, एम्पियर कितना चाहिए, ये पूरी डीप लेवल बताते जा रहे हैं, जो कि मुझे, मैं दो स्टूड में घूम के आने के बाद मुझे ये वोल्टेज का एम्पियर का कोई नॉलेज नहीं मिला था। और यहाँ पर मुझे सब ये नॉलेज मिल रहा है, सारे सेक्शन पढ़ा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ क्या क्या चेकिंग करना है क्या है? ये जो अपन सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं इसी में से कोई ना कोई फॉल्ट आएगा आपके पास जब मोबाइल रिपेयर के लिए आएगा, तो जब ये सारे सेक्शंस समझ लेंगे तो आप आसानी से मोबाइल रिपेयर कर सकते कि नहीं कर सकते? क्योंकि IC लगाना निकालना तो आप लोगों का पहले दूसरे दिन ही क्लियर कर दिए थे। डेली यहाँ पे क्लास हो रही है, कितने घंटे का क्लास चल रहा है भाई सुबह में, जैसा कि आज 10 बजे आए थे आप और अभी कितने बजने आ रहे हैं? 8:30 होने आ रहे हैं अभी, ठीक है, लगभग 8:30 होने आ रहे हैं, मतलब 10 घंटे से ज़्यादा ही हो गए अभी। तो यहाँ बैठ बैठ के बोर तो नहीं हो रहे आप? तो पेस्टेड IC भी अभी कोई निकालने खोलने में डर तो नहीं है? कस्टमर का सेट आएगा तो बना सकते कि नहीं बना सकते? और यहाँ पे डेली लाइव कुछ ना कुछ बना के आपको बता रहे ना सेट्स? तो कोई, आप तो महाराष्ट्र नांदेड़ से है, कोई आना चाहते हैं महाराष्ट्र से में तो कोई मराठी में बोलिए, उनको क्या बोलना चाहते हैं आप? ये संदर मित्रांनो, असं सामूहिक इच्छा तो की जन्ना ही मोबाइल रिपेयरिंग शिकण्याची इच्छा असेल,
यानी फोन फिक्स हैदराबाद है इंस्टीट्यूट, एकदम बिंदास न विचार करता है इंस्टीट्यूट जॉइन कराव आणि आपल्या सक्सेसफुलीला इथून आपलं प्रेरणा मिळेल आणि आपल्या सक्सेसफुली 100% इथून भेटेल आपल्याला। ठीक है जहांगीर, थैंक यू वेरी मच। क्या बोले, मराठी लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। ज्वाइन करना है कर सकते हैं, डिस्प्ले पे नंबर है, कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।